क्वेश्चन उसके तारुफ को देख रहे हैं और जिन्होंने पिछली दफा मीसिया में बाइबल स्टडी ग्रुप में हाजिरी दी थी हाजिर थे उनमें से कोई अजीज मुझे बताएगा कि जो हेडिंग्स हैं क्या क्या थे। पहला जो तारुफ था उसका हेडिंग्स तीन स्टेप्स में मैंने आपको लिखवाया था, कोई खड़ा हो के अगर पढ़ सके या बैठे बैठे कि क्या हेडिंग्स थे जो आपने लिखे। किसी के पास अगर हेडिंग्स हो बताए वो बताए। Introduction to the book of Revelation. Introduction of the author. ये पहले दो बुनियादी हेडिंग्स थे जिनके तहत हमने इंट्रोडक्शन ऑफ द बुक ऑफ रेवलेशन ये मेन हेडिंग है और उसके नीचे पहला सब हेडिंग जिसको हमने इंट्रोडक्शन में देखा वो है इंट्रोडक्शन ऑफ ऑथर, जो मुसन्निफ है उसका तारुफ जो है उसको हमने देखने की कोशिश की। और उसके बाद जो है किस चीज का इंट्रोडक्शन हमने शुरू किया था जिससे हम पिटमस जारी किया है पिटमस इंट्रोडक्शन ऑफ आइसलैंड पिटमस, जो पिटमस का जजीरा है उस का इंट्रोडक्शन जो है वो हम देख रहे हैं। और इस इंट्रोडक्शन में हमने चंद एक बातें देखी थी कि ये जजीरा जो है ये एशियाई कोचक जो है उसके मगरबी साहिल की तरफ बहर अजीम एक बहर है उसमें छोटा सा पहाड़ी जजीरा है और ये साहिल से 24 मील और इप्सस शहर से 50 मील की दूरी पर है। और इस जजीरे की शक्ल अगर आप मैप में देखें तो ये हलाल से मिलती है और हलाल का मतलब है द हाफ मून, डी जैसे बनी होती है उस तरह से इसकी शक्ल मिलती है। और आज भी इस जजीरे को पिटमस के नाम से ही थैंक यू जाना जाता है और यूनानी लोग जो है वो यहाँ पे आबाद हैं। पिटमस का जजीरा जो है यहाँ पे रोमन लोग जो थे मैंने बताया पिछली दफा कि वो अपने कैदियों को भेजा करते थे क्योंकि इस जजीरे के जो पहाड़ थे एक तो वो बंजर थे दूसरा वो आतिश फशां थे और उनमें लावा आग निकलती थी और तीसरी जो अहम बात जिसके लिए वो कैदियों को यहाँ भेजा करते थे कि इसमें बहुत तांबा पाया जाता इन पहाड़ों में, तो तांबा निकालने के लिए रोमन लोग जो थे वो पिटमस के जजीरे में अपने कैदी भेजते थे। जैसे सहराए सीना जो है वहां पे जो मिस्री थे वो अपने कैदियों को भेजते थे वहां भी बहुत ज्यादा तांबा जो है वो पाया जाता था। इसके अलावा हमने ये देखा कि इस जजीरे में दो बातों की वजह से हजरत यूहन्ना रसूल जो थे वो कैद थे। पहली बात क्या थी कि वो किस वजह से कैद थे, खुदा के कलाम की वजह से और मसीह की गवाही की वजह से, ये दो इल्जाम थे मुकद्दस यूहन्ना रसूल पे कि ये खुदा का कलाम सुनाते हैं। कैसी मुबारक खाली है, कैसी खूबसूरत बात है कि कोई इसलिए दुख उठाए कि वो खुदा का कलाम सुनाता है और कोई इसलिए दुख उठाए कि वो मसीह की गवाही के बायस कैद हो जाए, जजीरे में जलावतन कर दिया जाए, नजर बंद कर दिया जाए, कैद कर दिया जाए। और इन दो वजूहात की वजह से यूहन्ना जो है वो कैद किए गए थे। और आखिरी बात जो पिछली दफा इस टॉपिक के अंडर हमने देखी है कि जो दो मतीन बादशाह था या दो मतियान बादशाह कैसर जो था रोम का, ये सीजर ये कैसर जो था इसका मानना ये था कहना ये था कि अगर आप खुदा के बंदे को फना कर दें तो उसका खुदा भी इसके साथ फना हो जाता है।
इस वजह से उसने योहन्ना जो उस वक्त का आखिरी मसीह का चश्मदीद गवाह था, आई विटनेस था खुदा यीशु मसीह का, उसको उसने जलावतन कर दिया और ये समझा कि ये वक्त खत्म हो जाएगा और इस तरह से इसका खुदा भी इसके साथ खुदा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसकी याद मिट जाएगी। लेकिन याद रखिए, कैसर दो मतियान मिट गया, उनकी गवर्नमेंट रोमन एम्पायर मिट गई, लेकिन खुदा का नाम और खुदा का कलाम और मसीह जो है वो आज तक जिंदा है और उसकी कलीसिया जो है उसी आबोताब के साथ चमक और धमक रही है, बहुत सी जिंदगियों को बचाने का और बहुत सी जिंदगियों को अपने जलाल से भरने का काम खुदा का पाखरू कलीसिया में अंजाम दे रहा है। आगे बढ़ते हुए याद रखें कि जब योहन्ना को पिटमस के जजीरे में कैद किया गया होगा तो यह बात उसकी समझ से गोया बालातर होगी, वो समझ नहीं सका होगा कि जब ईमानदारों को, खुदा के लोगों को मेरी जरूरत है कि मैं बहसियत लीडर, मसीह का पैरोकार, मसीह का शागिर्द, आई विटनेस होने की हैसियत से मुझे कलीसिया में होना चाहिए, मुझे खुदा के लोगों के दरमियान होना चाहिए, तो ये क्या खुदा ने होने दिया है कि मुझे एक दूर दराज जगह पे कैद होने दिया खुदावन ने। और ये बात उसकी समझ से इब्तदा में तो बालातर होगी, समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन जब खुदा का मुकाशिफा, मसीह यीशु का वो भेद जो असल से पोशीदा रहा, कभी किसी जी हयात पे बड़े बड़े उल्मा हुक्मा फुकरा और बड़े बड़े नबी पैगंबर रसूल गुजरे और उनमें से किसी पर ये भेद नहीं खुला जिसको खुदावन यीशु और मसीह और मेरे और आपके यहोवा खुदा ने उस पर उस वक्त खोला जब वो पेटमस के जजीरे में कैद था और उस कैद के दौरान जब खुदावन यीशु मसीह का मुकाशफा उस पे खुला होगा तो उसका दिल शुक्रगुजारी से भर गया होगा, खुदावन तेरा शुक्र है कि तूने मुझे कैद होने दिया है, तेरा शुक्र है कि पिथमस के जजीरे में तूने मुझे पहुंचाया है ताकि मैं तुझे और ज्यादा जानूं और तेरी कुर्बत को देख सकूं। पानी का गिलास अगर ये ऐसे ही है जैसे जो हजरत यूसुफ, जब उनको उसके भाइयों ने पकड़ लिया कैद के लिए और मारना चाहते थे, कत्ल करना चाहते थे, तो ये उसको समझ नहीं आ रहा, वो तो ख्वाब देखा करता था कि जो है वो 12 लोग हैं वहां पे और सितारे हैं 11 और वो मुझे सजदा कर रहे हैं और मेरी प्रतिष्ठा हो रही है या मेरी ताजीम हो रही है। और अचानक इन ख्वाबों के साथ साथ उसे एक ऐसा दिन देखना पड़ा कि उसके 11 के 11 भाइयों ने उसे पकड़ लिया और उन 10 भाइयों ने, बिन्यामीन शामिल नहीं था, उन 10 भाइयों ने उसको जो है काबू करके कैद करके बेच दिया और वो मिस्र में चला गया। और मिस्र में जाके जब वो उस जगह पहुंचा जहां पे फिरौन बैठा हुआ था और फिरौन के ख्वाब की ताबीर की और उसने कहा कि कोई अकलमंद इंसान, कोई अकलमंद आदमी मुकर्रर किया जाए कि वो एहतियात करे, तो फिरौन ने कहा कि तेरे से ज्यादा अकलमंद और कौन होगा जिसे खुदा ने यह भेद बताया है और दूसरे दर्जे का हाकिम ठहराया और उसे समझ आया कि खुदा ने क्यों ऐसा होने दिया है। याद रखिए कि खुदा बास का हमें ट्रायल्स में से, ट्रबल्स में से गुजरने देता है क्योंकि खुदा जो है वो हमें और ज्यादा बड़ी हायर कॉलिंग के लिए वो हमें तैयार कर रहा हो और हमें इब्तदा में समझ नहीं आती है, लेकिन जब हम वहां पहुंचते हैं तो हमें पता चलता है कि खुदा ने क्यों ऐसा होने दिया और क्यों
इन चीजों में से गुजरने दिया, लेकिन याद रखिए खुदा जब ट्रायल और ट्रबल्स में से गुजारता है तो खुदा की कॉलिंग हायर होती है अपने लोगों के। लेकिन इसमें से गुजरने वाले दो किस्म के लोग, एक किस्म के वो लोग हैं जो ट्रायल और ट्रबल्स में कायम रहते हैं और वो मजबूत रहते हैं और खुदा के कलाम के मुताबिक चलते रहते हैं और फिर वो हायर कॉलिंग तक पहुंचते हैं। लेकिन एक दूसरी किस्म के लोग हैं जो इसराइली आप देखते हैं, बियाबान में पहुंचे, 40 दिन का सफर था, कॉलिंग उनकी मुल्क कनान था, वहां पे पहुंचना था, लेकिन 40 दिन के सफर को अपनी बातों को से 40 साल पे उन्होंने उसे डिवाइड कर, उन्होंने उसे मल्टीप्लाई कर दिया और 40 साल के बाद उस पीरियड के अंदर अंदर वो हलाक हो गए, मर गए वहां। सो इसलिए खुदा ट्रायल और ट्रबल्स में से जब गुजारता है तो बात हमारी है कि हम उन टेस्ट में से कैसे गुजरते हैं और कहां पहुंचते हैं। पिछली दफा एक सवाल किया गया था और मुझे पूछा गया था कि जो पिटमस का जजीरा है उसमें हजरत योहन्ना कितनी देर कैद रहे, यही थी बात जो सवाल पूछा गया। और मैंने इसको सर्च किया, देखा तो पता चला कि कोई भी डेफिनेट टाइम नहीं है, जो उलमा हैं उनके पास कोई भी डिसाइडेड टाइम नहीं है, लेकिन ख्याल किया जाता है कि ऑलमोस्ट 18 महीने से 2 साल का अरसा जो है वो पिटमस के जजीरे के अंदर कैद रहे और इसी के दौरान जो है खुदा यीशु मसीह का ये मुकाशफा जो हमारे हाथों में है उन तक पहुंचा ताकि वो हम तक पहुंचाए। अब चंद एक बातें जो हैं वो कैसरान जो है, जो सीजर्स गुजरे हैं रोमन अंपायर के, रोमी सल्तनत के जो कैसर हैं, सीजर्स हैं, वो बड़े अहम रहे हैं इस सारे पीरियड में। खुदा यीशु मसीह के जमाने में किस कैसर का सबसे पहले जिक्र पढ़ते हैं आप, किसके वक्त में ये हुक्म जारी हुआ कि कैसर अगस्तस, ये सेकंड कैसर था, फर्स्ट भी इसको समझा जाता है, उसके जमाने में ये हुक्म जारी हुआ कि सब जो है अपने नाम अपने गांव में लिखवाने के लिए जाए जहां वो पैदा हुए हैं और मरियम और यूसुफ भी जो है वो गए नाम लिखवाने के लिए। और उसी दौरान मेरा और आपका खुदा मुनजी दो आलम यीशु मसीह जो है वो इस दुनिया में तशरीफ लाए, वो पैदा हुए और हम इस दौर से बहुत सी बातें कैसरान के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए इनके बारे में, मैंने एक 3-4 सफ़ों का ये पेपर आप तक पहुँचाया, अगर किसी को नहीं मिला तो वो ले सकता है, भाई शमाउन के पास ये है। इंग्लिश में है, हर कोई इसको यूज कर सकता है। राइट के पास भी नहीं है तो भी दे दो, इसे आप बाद में भी गौर कर सकते हैं, देख सकते हैं। शुरू में एक लिस्ट है कैसराम की, वो क्या क्या हुए, क्या क्या उनके नाम थे, पीरियड्स क्या थे। और इसके बाद जो है मैंने इसको कॉपी किया है ताकि आप उनके चेहरों से भी अगर वाकिफ होना चाहें कि आप उन्हें देखना चाहें कि वो कैसर जो है वो कौन था, उसका नाम क्या था, उसकी बर्थ कहाँ पे हुई, वो कितनी देर उसने जो है हुकूमत की, उसका रीजन क्या था, डेथ कब हुई और डेथ की वजह क्या थी उसकी, ये सारी चीज़ें जो है इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर लिखी हुई हैं, इन पर हम बात नहीं करेंगे। मुख्तसर कोट जो है चंद एक बातें मैं आपको इसी डॉक्यूमेंट के जो पहला सफ़ा है इसके आप ये बातें लिख सकते हैं जो कैसर्स के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, या आप अपनी कॉपी में भी इसको लिख सकते हैं। तो पहला नाम यहाँ पे लिखा है कैसर अगस्तस जो है, जिसके रीजन में खुदा यीशु मसीह पैदा हुए और उसने ये हुक्म जारी किया था कि सन्नविसी की जाए जो है, नाम लिखे जाए। और इसका जो हवाला है उसको आप लिखना चाहें तो लूका की अंजील उसका 2 बाब और उसकी 1 आयत में आप इसको पढ़ते हैं कि इसने ये हुक्म दिया कि ऐसा किया जाए। इसके बाद जो है आप जानते हैं कि किस तरह से ये सब कुछ हुआ और खुदा यीशु मसीह की पैदाइश की बात हमने बहुत ज्यादा पिछले दिनों में की सुनी और
सारे वक्त से आपने बरकत पाई है। और उसके बाद अगर आप दूसरा कैसेट पढ़ें तो उसका नाम है तबीरियस कैसेट। तबीरियस जो है ये तीसरा कैसेट हुआ है और इसका जिक्र अगर आप पढ़ना चाहें तो लुका के अंजील के तीसरे बाब की पहली आयत में आप इसका जिक्र जो है वो पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो है कालीगोला एक कैसर हुआ है, ये तीसरा कैसर है, इसकी हुकूमत का वक्त यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद जो है क्लॉडियस एक कैसर जो है चौथा कैसर हुआ है क्लॉडियस। और ये जो कैसर है इसका जिक्र आप पढ़ना चाहें तो ये रसूली दौर शुरू हो चुका था। खुदा यीशु मसीह जो है वो अपनी जमीनी खिदमत करके तो आसमान पे उठाए गए, आसमान पे चले गए और रसूली दौर शुरू हो चुका था। पढ़ना चाहें तो अमाल 11 बाब उसकी 28वीं आयत में और 18वें बाब की दूसरी आयत में इस कैसर का जिक्र जो है वो आपको मिलेगा। फिर पांचवा कैसर जो है नीरो कैसर। नीरो जो है ये बहुत मशहूर कैसर गुजरा है और ये जो कैसर है इसने भी बहुत जुल्म सितम किया और इसी कैसर के वक्त में जो मुकद्दस पत्रस और मुकद्दस पालूस जो है उनको शहादत का दर्जा नसीब हुआ और उन्होंने खुदा उनके पास चले गए कैसर नीरो के दौरे हुकूमत में। उसके बाद जो है वो तीन कैसर इकट्ठे लिखे हुए हैं गाल्बो ओथो और विटिलियस। तीन कैसर्स के नाम जो है ये इकट्ठे लिखे हुए हैं। ये तीनों कैसर जो है इनकी चूंकि दौरे हुकूमत बहुत थोड़ा थोड़ा था। जो पहला कैसर है 7 महीने इसने हुकूमत की, उससे अगला जो ओथो है उसने 3 महीने और जो उससे अगला है उसने 8 महीने जो है सल्तनत की। इसलिए इनको इकट्ठा ही लिखा जाता है कि रीजन के अंदर और इस तरह 18 महीने में ये तीन जो सीजर है इन्होंने हुक्मरानी की रोम के ऊपर। इसके बाद जो है 7वें नंबर पे आपको वेस्पेशियन एक कैसर गुजरा है उसका जिक्र मिलता है। फिर उससे आगे टाइटस जो है कैसर है और आखिरी दोमतिया कैसर जो है उसका जिक्र मिलता है। और इस आखिरी कैसर को जो यहाँ पे लिखा गया है इसके दौरे हुकूमत के अंदर जो है वो हजरत योहन्ना को कैद किया गया और पितमस के जजीरे में भेजा गया। ये जो चौथा कैसर क्लॉडियस है इसके वक्त से लेके तो दोमतियान कैसर जो है इसके वक्त तक क्लॉडियस से लेके आखिरी कैसर तक इन कैसरान की दौरे हुकूमत में कलीसिया पर बहुत जुल्म सितम होता रहा और इन कैसरान की कोशिश रही कि जो मसीहत है वो किसी तरह से खत्म हो जाए लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। बास कैसरान जो इनमें से गुजरे उन्होंने कोशिश की और उन्होंने ये हुक्म जारी किया कि प्रस्तिश की जाए और 69 ईस्वी में खुदा यीशु मसीह की के आसमान पे जाने के बाद या स्लीप पे चढ़ने के बाद 69 ईस्वी जो है इसमें पहली दफा पर्गमन के अंदर जो कैसर अगस्तस के नाम का मंदिर बनाने की इजाजत दी गई और उन्हें ये परमिशन मिल गई कि वो कैसर अगस्तस का एक टेंपल बनाए जहां पे उसकी वर्शिप कर सके। और इसके बाद से लोग जो है वो सीजर जो है उनकी प्रस्तुति करने लगे और उनके सामने बाहसियत खुदा झुकने लगे और उनको वो खुदा मानने लगे। कैसर कालीगोला जिसको अभी हमने देखा है इसने खुद को देवता या खुदा कहलवाना पसंद किया, प्रस्तुति अपनी करवानी पसंद की और काफी इसने स्ट्रेस किया अपनी वर्शिप और अपनी प्रस्तुति के ऊपर। और जो इस कैसर की वर्शिप नहीं करता था उसको रियासत का दुश्मन समझा जाता। जो कैसर कालीगोला है
अगर कोई इसके दौरे हुकूमत में कैसर की वर्शिप नहीं करता था, जो उस वक्त राइज था, जो उस वक्त तय किया गया था कि कैसे उसकी वर्शिप की जाए, तो उसे रियासत का, गवर्नमेंट का दुश्मन समझा जाता था। और यूहन्ना की जलावतनी की जो वजह है, ये रवायत है कि यूहन्ना की जलावतनी की वजह भी यही थी कि उसने जो कैसर दोमतियान है उसके आगे बखूर जलाने से इनकार कर दिया पब्लिक ने इसी मौके पे। तो जब ऐसा हुआ तो उसे पकड़ लिया गया और उसे ये सजा भुगतनी पड़ी। जब सारी बातचीत हुई तो उसने बताया कि मैं खुदावंद अपने खुदा यीशु मसीह के अलावा किसी की प्रस्तुति नहीं करता, तो उसे जो है सजा दी गई इस बात के लिए। जो कैसरान थे, शहंशाह थे, शहंशाह में और बादशाह में क्या फर्क होता है? जो शहंशाह होते हैं उनके नीचे कई बादशाह। जो बादशाह होता है वो अपने मुल्क का बादशाह होता है, और जो शहंशाह होता है वो कई गवर्नमेंट्स और कई बादशाहों के ऊपर बैठा होता है, तो वो शहंशाह कहलाता है। इसलिए हम खुदावंद यीशु मसीह को बादशाहों का बादशाह या शहंशाहों का शहंशाह, खुदावंदों का खुदावंद कहते हैं, कि वो सारी गवर्नमेंट से ऊपर बैठ के कंट्रोल करता है। ये जो सीजर्स थे, इन्होंने अपने लोगों को जो उसकी वर्शिप करते थे खास निशान दी, देने शुरू कर दिए। और जब उन्होंने ये दिए तो उस वक्त के अंदर जो ईमानदार लोग थे उनके लिए खरीदो फरोख्त करने की हद तक मुश्किल पेश आ गई, कि वो कैसे जाके अपनी जरूरी अशिया, खाने पीने की चीजें ही खरीद सके। और पर्गमन जो है वहां पे खास तौर पे जो है उन्हें काफी मुश्किल जो है वो पेश आई। जो अगला हमारा इंट्रोडक्शन है वो है मुकाशफा की किताब का तारुफ जो है मुख्तसर। ये खत्म हुआ पितमस का इंट्रोडक्शन। अगला जो है वो जो बुक है उसका इंट्रोडक्शन आप लिखेंगे। मुकाशफा यानी काशिफ नाम भी होता है, काशिफ जो है इसका मतलब है जाहिर करने वाला। और जाहिर करने वाला कौन था मुकाशफा की किताब में? यीशु अलमसीह, खुदावंद यीशु अलमसीह, वो काशिफ है। और आरिफ कहा गया यूहन्ना को। अगर आप अपनी बाइबल्स खोलें तो वहां पे लिखा है यूहन्ना आरफ का मुकाशफा, आरिफ कहा गया। और आरिफ का मतलब है मार्फत हासिल करने वाला, जिसको अरफान मिल जाए, मार्फत मिल जाए। तो यूहन्ना को मार्फत मिली, अरफान मिला, और उन्हें आरिफ का टाइटल जो है वो दिया गया। बाइबल मुकद्दस में बहुत से किस्म का लिटरेचर पाया जाता है। इसमें स्टोरी है, इसमें पोइम है, इसमें टेक्स्ट है, और इसमें जो है वो ड्रामास आपको मिलते हैं जो प्ले किए गए रियल लाइफ के अंदर। और ये इस तरह की बहुत सी जो पोएट्री और ये सारी चीजें मिलके ये जो लिटरेचर है इसमें बहुत खूबसूरत पाया जाता है। और बाइबल मुकद्दस में जो है निशानात, अलामात की सूरत में भी लिटरेचर पाया जाता है, जो निशानात और अलामात की सूरत में फिगरेटिव लिटरेचर जो है उसको आप रेवलेशन कहते हैं। फिगरेटिव जो लिटरेचर है, निशानात और अलामात का जो लिटरेचर है बाइबल मुकद्दस में, उसको क्या कहते हैं? मुकाशफा या मुकाशफाती अदब या रेवलेशनरी लिटरेचर आप उसको कहते हैं। मुकाशफा का मतलब है ऐसी चीज का राज बताना जिसके बारे में पहले कोई नहीं जानता, जिसके बारे में पहले कोई नहीं जानता, किसी को खबर नहीं, ऐसा राज, ऐसी सीक्रेट खोलना बताना। और
मुकाशवा के जो लघवी मानी है, जो डिक्शनरी के मुताबिक इसके मानी है, वो है भेद को ना जाहिर करना, इंकशाफ करना, किसी चीज से पर्दे को हटाना या पर्दे को उठाना वगैरह। मुकाशवा की जो किताब है इसके 22 अबवाब हैं, 22 चैप्टर्स हैं, इसकी 404 वर्सेस हैं, 404 वर्सेस हैं, और पुराने अहदनामे के कमोबेश 550 हवाला जहाज जो है वो मुकाशवा की किताब में आपको मिलते हैं। इसके 22 अबवाब हैं, 404 आयात हैं और 550 पुराने अहदनामा के हवालाजात इसमें पाए जाते हैं। पैदाइश की किताब जो है, जी हवाला रेफरेंसेस 550 ओल्ड टेस्टामेंट रेफरेंसेस जो है इसमें कोट किए गए हैं। पैदाइश की किताब जो है ये किताबे मुकद्दस का आगाज है, और मुकाशफा जो है ये किताबे मुकद्दस का क्लोजिंग है, इख्तिताम है। जिस तरह से हम 2500 साल से बेखबर रहते अगर जेनेसिस पैदाइश मौजूद ना होती, पैदाइश की किताब अगर ना होती तो कितने सौ साल से हम ना वाकिफ रहते, 2500 साल, 2500 साल की हिस्ट्री जो है वो आपको जेनेसिस पैदाइश की किताब में मिलती है, उससे हम बेखबर रहते अगर पैदाइश की किताब ना होती। सिर्फ पैदाइश की किताब, सिर्फ जेनेसिस, बुक ऑफ जेनेसिस जो है अगर वो ना होती तो हम 2500 साल से ना वाकिफ रहते, पता नहीं था कि क्या हुआ है उस वक्त। और अगर रेवलेशन की किताब ना होती तो हम हजारों आने वाले सालों और अबदी और हमेशा की जिंदगी से ना वाकिफ रहते कि खुदा ने क्या प्लान किया है और किस तरह प्लान किया है और वो कैसे एग्जीक्यूट करेगा। इसलिए इस किताब का समझना और जानना जो है ये बहुत जरूरी है। इस किताब के तीन बुनियादी हिस्से हैं। पहले बाब की 19वीं आयत के मुताबिक, कोई पढ़ दे जल्दी से पहले बाब की 19वीं आयत लांदवास से। बस जो बातें तूने देखी और जो हैं और जो इनके बाद होने वाली हैं, उन सब को लिख ले। थैंक यू वेरी मच। मुझे खुशी हुई कि दो आवाजें एक वक्त में निकली हैं। अच्छा है कि जब दुआ के लिए कहा जाए किसी चीज के तो एक वक्त में चंद ज्यादा लोग कोशिश करें तो खूबसूरत लगता है, लिविंग चर्च लगता है। सो तीन इसके पोर्शन है इस हवाले के मुताबिक। मुकाशवा के पहला पोर्शन लिखे, नंबर वन, जो बातें हैं। पहला पोर्शन क्या है? जो बातें हैं, और ब्रैकेट में आप लिखेंगे यीशु के बारे नई रोया, न्यू विजन अबाउट जीसस क्राइस्ट, और आप लिखेंगे पहला बाब चैप्टर वन। नंबर टू, जो पोर्शन नंबर टू है इस आयत के मुताबिक, और सॉरी पहले में आपने लिखा जो बातें तूने देखी, जो बातें तूने देखी, और फिर नंबर टू है और जो बातें हैं। पहले नंबर पे था जो बातें तूने देखी, खुदा यीशु मसीह की नई रोया पहला बाब, और फिर नंबर टू में है जो बातें हैं, ब्रैकेट में आप लिखेंगे सात कलीसियाओं के नाम, खतूत, लेटर्स टू सेवन चर्चेस, चैप्टर टू एंड चैप्टर थ्री, दूसरा और तीसरा बाब।
पहली हमने लिखा और जो बातें तूने देखी, यीशु मसीह के बारे रोया पहला बाब। दूसरा हमने लिखा और जो बातें हैं, सात कलीसियाओं के नाम खतूत, लेटर टू सेवन चर्चेस चैप्टर टू एंड चैप्टर थ्री। और तीसरे नंबर पे आप तीसरा सेक्शन इसका लिखेंगे और आखिरी सेक्शन जो बातें इनके बाद होने वाली है, जो बातें इनके बाद होने वाली और लिखेंगे आप ब्रैकेट में आने वाली बात, जो बातें इनके बाद होने वाली हैं ब्रैकेट में आप लिखेंगे आने वाली बातें। और चैप्टर फोर टू चैप्टर 22 चौथे बाब से लेके 22वें बाब तक, जब आप चौथे बाब में पहुंचेंगे जी, पहला जो बातें तूने देखी वन चैप्टर वन, और दूसरे में था जो बातें हैं सात कलीसियों को खतूत चैप्टर टू एंड थ्री, और फिर तीसरा सेक्शन था जो बातें इनके बाद होने वाली हैं आने वाली बातें चैप्टर फोर से लेके चैप्टर 22 तक। जब आप चैप्टर फोर तक पहुंचेंगे या चैप्टर टू हम शुरू करेंगे तो आप फर्क तरीके से जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप एंजॉय करते जाएंगे। चैप्टर फोर से चैप्टर 22 लास्ट तक चैप्टर चैप्टर जी हाँ देश ऑफ कहंदा इफ्राम की है वो जो बातें होने वाली है। तो ये जो है ये इसकी डिविजन्स है, हम मजीद भी इसको डिविजन्स को बाद में देखेंगे। किताब का जो टाइटल है ये चौथी सदी में कार्थज के मुकाम पे कलीसिया बुजुर्ग जमा हुए और उन्होंने जो न्यू टेस्टामेंट है उसकी बुक्स को असेंबल किया खुदा के पाक रूह की गाइडेंस के अंदर, और असेंबल करके दुआ और रोजे के साथ उन्होंने खुदा की तहरीक से किताबों को जिनके नाम मौजूद नहीं थे उनको टाइटल्स दिए, और उन्होंने इस बुक का टाइटल जो है वो दिया यूहन्ना आरफ का मुकाशवा। और ये टाइटल जो है मौजू नहीं लगता अब हमें, इसलिए क्योंकि खुदा ने खुद इस किताब को जब जमीन पे उंडेला भेजा नाजिल फरमाया तो पहले तीन अल्फाज फर्स्ट थ्री वर्ड्स में इस बुक का टाइटल ऑलरेडी दे दिया। और क्या है पहले तीन अल्फाज, मुकाशफा की किताब के पहले तीन अल्फाज क्या है टेक्स्ट के पढ़िए, नहीं वो तो टाइटल है ना टेक्स्ट, यस सो इसका टाइटल जो है जो खुदा की तरफ से वो दिया गया वो है यीशु मसीह का मुकाशफा। इसका दुरुस्त टाइटल जो है हमें लगता है कि ये चार अल्फाज और ये कंजंक्शन जो है का यीशु मसीह का मुकाशफा या चार अल्फाज या कह सकते हैं ये इसका टाइटल खूबसूरत लगता है। अगर आप इस किताब को समझना चाहते हैं तो अच्छा है कि आपको बाइबल से वाकफियत हो, और मेरा ईमान है कि आप मसीही हैं चर्च में रेगुलर आने वाले लोग हैं और आपको कमोबेश बाइबल से वाकफियत है, और आपको आसानी रहेगी कि आप जब इसको सुने समझें तो आप और ज्यादा बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड करेंगे। और मैं इनकरेज करना चाहता हूँ कि आप अपने बाइबल घरों में रेगुलर बाइबल मुकद्दस जो है उसको पढ़ा कीजिए। रेगुलर का मतलब है रेगुलर, जैसे आप सोने में कोताही नहीं बरतते चाहे 1 घंटे, खाने में कोताही नहीं बरतते चाहे आप 2 भी खाए, वो चीजें जिन्हें भूलते नहीं है कोशिश कीजिए ना भूलें बाइबल पढ़ना। इस किताब के जो किरदार हैं जो वाकयात हैं अदाद हैं कलर्स हैं सारा कुछ जो है ये पहले भी बाइबल मुकद्दस में मुख्तलिफ किताबों के अंदर इस्तेमाल हो चुका है, इसको हम साथ साथ देखते जाएंगे क्या आया है और कहां पे ये पहले यूज किया गया और इसके क्या मानी और मतलब। जो बुक ऑफ रेवलेशन है इसे स्ट्रेशन भी कहते हैं, इसलिए क्योंकि सारी किताबें जो लिखी गई वो सारी ट्रेनें जो हैं वो मुकाशफा के स्टेशन पे आके
स्टॉप कंप्लीट जो है होती है उनका मीनिंग मकसद जो है सेंट्रल स्टेशन। मुकाशवा की किताब को कहा गया है क्योंकि सारी किताबें जो है यहाँ पे आती हैं, इधर इशारा करती है, यहाँ पहुंचती है, ये उनका लास्ट स्टेशन नजर आता है। मुकाशवा की किताब के अलावा भी बाइबल मुकद्दस के चंद एक हिस्से हैं जिन्हें मुकाशवा समझा जाता है। लिखे वो कौन कौन से हैं? दानियल चैप्टर 7 से लेके चैप्टर 12 तक, दानियल उसका 7वें बाब से 12वें बाब तक, बुक ऑफ दानियल चैप्टर 7 टू चैप्टर 12, फिर यशाया चैप्टर 24 टू चैप्टर 27, यशाया नबी का सहीफा 24वें बाब से 27वें बाब तक, 24 से 27, इज़ेकियल चैप्टर 37 टू 41, इस्कियल चैप्टर 37 टू चैप्टर 41, और आखिर में ज़करिया अंबिया असगर में से, ज़करिया चैप्टर 9 टू चैप्टर 12, ज़करिया 9वें बाब से 12वें बाब तक, दानियल 7वें बाब से 12वें बाब तक, यशाया 24वें बाब से 27वें बाब तक, इस्कियल 37वें बाब से 41वें बाब तक, और ज़करिया 9वें बाब से 12वें बाब तक। ये इस्साजाज जो है ये भी मुकाशवा के मध में आते हैं, और हम जब ये स्टडी खत्म कर लेंगे साल डेढ़ साल के अंदर तो फिर हम जो है इनको भी देखेंगे। ये किताब जो है मुकाशवा की, इसको लिखे जाने का अंदाज भी फर्क था। जो बातें योहन्ना ने लिखी पहले उनको उसने देखा और जो करने वाले थे उनको भी देखा, और जो कुछ बोला जा रहा था जिसको उन्होंने लिखा उसको उन्होंने बाकायदा खुद सुना तो फिर ये लिखा। सिर्फ कोई आवाज नहीं आई जो उन्हें लिखवाती रही है वो लिखते रहे, बल्कि बाकायदा उन चीजों को उन्होंने देखा और उन्होंने लिखा। यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं, आज से तकरीबन 15 साल पहले मैं दुआ कर रहा था, अपनी चारपाई पे मैं लेटा हुआ था, और अचानक जो है मुझे रूह में ये महसूस हुआ कि मैं आसमान पे हूं, और वहां पे मैंने खुदा यीशु मसीह को देखा, और मैंने देखा कि उसके सामने लातादाद फरिश्ते जो है वो मौजूद हैं, प्रस्तुति कर रहे हैं, कुछ सजदे में है, कुछ वर्शिप कर रहे हैं, और जो है खुदा यीशु मसीह ने मेरे से कोई बात नहीं की, एक फरिश्ते को कुछ कहा, वो फरिश्ता मेरे पास आया और उसने मुझे कहा कि आ मैं तुझे चंद एक मुकाशवाती चीजें दिखाऊं, और मैं फरिश्ते के साथ चला गया और मुख्तलिफ चीजें जो है वो दिखाते रहे मुझे और बताते रहे मुकाशवा में इनका जिक्र है, और एक जगह हम पहुंचे तो कोई चीज जो ऐसी उल्टे मुंह उसका जमीन की तरह था, ऐसे लेटी हुई थी, और उसने मुझे जो है कहा कि ये भी मैं तुझे दिखाऊंगा, और वो चीज ऐसे लेटी थी और ऐसी वो उठनी शुरू हो गई, और जब उठी तो मैं जो है थोड़ा खौफजदा हो गया, और फरिश्ते ने मुझे मैं देख रहा था, फील कर रहा था, ऐसे मेरे बाजू को पकड़ा, और उसके बाद जो है मेरी आंख खुल गई या मैं होश में आ गया और मैं रोया से बाहर आ गया, और इस तरह मैंने दूसरी बार जिंदगी में जो है खुदा यीशु मसीह का और उसके तख्त और उस जगह का दीदार किया, और ये बड़ा शर्फ मुझे मिला, और ये चीज़ें हमें मजबूत और कायम रखती हैं कि हम जहाँ जा रहे हैं और जो कुछ हम कर रहे हैं वो बेबुनियाद और लाहसल और सिर्फ बातों की हद तक महदूद नहीं, बल्कि हमने खुद उसे देखा। तो हजरत योहन्ना जो थे उन्होंने बाकायदा खुद देखा, सुना और फिर उसको लिखा। ये मुकाशवा जो है हमारे हाथ के अंदर उन्होंने दिया। इस किताब में 7
जो है वो उसका आदत वो 52 मर्तबा इस्तेमाल हुआ है। 7 कलीसियां है, 7 रूहे, 7 चिरागदान, 7 सितारे और वगैरह वगैरह 52 दफा। बच्चों को फ्रेजर इंग्लिश में बता दिया करो जी। जो 7 का जो नंबर है, नंबर 7, इट हैज बीन यूज्ड फॉर 52 टाइम्स। ये 52 टाइम जो नंबर 7 है वो मुकाशफा में उसको इस्तेमाल किया गया है। और 7 नंबर जो है वो किस चीज का नंबर है? कामलियत, ये कामलियत परफेक्शन का ये अदद है। और इसके बाद 4 और 12 जो है ये भी काफी दफा इस्तेमाल हुए हैं। 4 किस चीज का अदद है? और ब्रा किसका? दुनिया का। क्यों? क्योंकि दुनिया के 4 कोने हैं, मशरिक, मगरब, शमाल और जनूब। 4 पोर्शन है दुनिया के, जिन्हें डिवाइड किया जाता है। और कोई नहीं जानता कि मशरक कहां तक है, मगरब कहां से शुरू होता है, कहां तक है, इस तरह शमाल और जनूब कहां से शुरू होते हैं और कहां तक वो है। लेकिन वो है, मौजूद है। तो दुनिया का नंबर है ये। 4 जानदार, 4 घोड़े, फरिश्ते वगैरह इस्तेमाल हुए हैं। 12 का बहुत दफा इस्तेमाल हुआ है। 12 फल, 12 मौसम, 12 शगीर, 12 कबीले, सो ऑन जो है काफी दफा ये नंबर हम बाद में देखेंगे। साथ साथ इस किताब में 7 नई मुबारकबादियां भी इस्तेमाल हुई हैं, जो पहाड़ी वाज में खुदा यीशु मसीह ने मुबारकबादियां दी। मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब और उसकी पहली आयत से 12वीं आयत तक जब आप पढ़ते हैं, और यहां पे 7 नई मुबारकबादियां हैं। बहुत से अहम अदद इस्तेमाल हुए हैं इसमें, इस बुक में, लेकिन सबसे अहम अदद जो है वो है 666, 666 सबसे अहम अदद है। और अगर आप देखें तो बहुत से लोग जो है उनका अदद 666 निकलता है। हिटलर का, नीरू का, और इस तरह बहुत से अहम लोग गुजरे हैं जो जालिम भी हुए हैं, जिन्होंने मसीह की कलीसिया को सताया है, उनका अदद भी 666। जी वह अदद, अदद नंबर 666 जो अहम नंबर है ये 666। इसके बारे में भी हम आगे जाके सीखेंगे। और जो 666 है इसको अगर आप पढ़े तो इसका नंबर एक्स निकलता है। क्या निकलता है? एक्स निकलता है, एक्स एक्स एक्स, ट्रिपल एक्स इसका नंबर निकलता है। और भी बहुत सी चीजें हैं जिनका नंबर जो है वो 666 निकलता है। और ये बताता है किस तरह से जो है इब्लीस ने जकड़ा और पकड़ा हुआ है दुनिया को, और आज इन चीजों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल जो है किया जाता है। इसके अलावा तो बहुत सी चीजें हैं, वक्त नहीं है हमारे पास, मैं इसको क्लोज करना चाहता हूं। आखिर में याद रखिए कि इस सेक्शन के अंदर कि ये जो किताब है, इस किताब को इसलिए लिखा गया कि खुदावंद ये चाहता था कि जो ईमानदार जुल्म उठा रहे हैं, इज़ा रसानी में से गुजर रहे हैं, उनको तकवीयत दी जाए, उनको एम्पावर किया जाए, उन्हें तसल्ली दी जाए, उनकी तसल्ली के लिए उनको आने वाली दुनिया दिखाई बताया कि वो कौन है, क्या है, कहां जा रहे हैं, ताकि वो तसल्ली से आगे बढ़ सके। सो ये जो है खत्म हुआ आज का तारुफ और आखिरी तारुफ का हिस्सा। इसे हम अगली दफा कंटिन्यू भी बाद में करेंगे, हमारे पास 3-4 मिनट रह गए हैं। इसमें हम देखेंगे, इसमें आप लिखेंगे द बुक ऑफ रेवलेशन, समरी ऑफ द बुक ऑफ रेवलेशन। समरी, समरी ऑफ द बुक ऑफ रेवलेशन, मुकाशवा की किताब का खुलासा, समरी जो है उसकी, चैप्टर वाइज क्या क्या है, लिखते जाइए जल्दी जल्दी, कोशिश करें। पहला है 7 कलीसियाओं को सलाम।
सात कलीसियाओं को, सलाम चैप्टर 1 वर्स 1-8। नंबर 2, जिंदा सरबुलंद मसीह का जलवा, द लिविंग क्राइस्ट, जिंदा सरबुलंद मसीह का जलवा, टू सी द लिविंग क्राइस्ट, उसकी जो है चैप्टर 1 वर्स 9-29, वर्स 9-29, पहला था वर्स 1-8, दूसरा है टू सी एंड टू डिस्क्लोज द लिविंग क्राइस्ट, चैप्टर 1 वर्स 9-29। आगे है सात कलीसियाओं को खतूत, लेटर्स टू 7 चर्चेस, और इनमें क्या चीजें उन्होंने शामिल की हुई हैं, कलीसियाओं को सलाम लिखा गया, उनकी हालत बताई गई, ग्रीटिंग्स की गई, उनकी सिचुएशंस उनको बताई गई हालत, और उन्हें आगाही की गई, उन्हें जो है बताया गया कि वो किस पोजीशन के अंदर है, उनकी पोजीशन डिस्क्लोज की गई कि आप हैं क्या, किस जगह खड़े हैं, फिर उन्हें नसीहत की गई कि क्या करना चाहिए, और उनके साथ वादा किया गया कि अगर आप चलेंगे तो आपको क्या मिलेगा। सात कलीसियाओं को पतूर चैप्टर 2 वर्स 1 से लेके चैप्टर 2 वर्स 1 से लेके चैप्टर 3 वर्स 22, चैप्टर 2 वर्स 1 से लेके चैप्टर 3 वर्स 22 जी। आपने जो पहले में वर्सेस किए हैं, तो फोन द लिविंग क्राइस्ट, इसके अंदर कितनी वर्स 1 वर्स चैप्टर 1 वर्स 9-29 व्हेन द पीस वर शुड बी रिस्टोर्ड। हां, यही वो कह रही हूं। ओके, तो ओके, लाइक 20 लिखे प्लीज, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। वर्स 9 टू वर्स 20, थैंक यू, मैंने भी करेक्ट कर लिया, थैंक यू वेरी मच। और दूसरे आपने लिखा है तीसरा, लेटर्स टू 7 चर्चेस वर्स 2 चैप्टर 2 वर्स 1 से लेके चैप्टर 3 वर्स 22, यानी चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3। इसके बाद नंबर 4, He saw the two visions. वो दो रोया देखता है, एक खुदा और उसके तख्त की रोया, चैप्टर 4 द विजन ऑफ द थ्रोन ऑफ गॉड, खुदा के तख्त की रोया देखता है ए, और बी सेक्शन है दो रोया जो उसने देखी है, जबा किया हुआ बरा, द स्लेनिंग लैम, और खुदा का तख्त, द थ्रोन ऑफ गॉड, जबा किया हुआ बरा और खुदा का तख्त, चैप्टर 5। नहीं बेटे, पहला जो है वो चैप्टर 4 है, और फिर ए सेक्शन जो है खुदा और उसका तख्त, चैप्टर 4, और जो जबा किया हुआ बरा और खुदा का तख्त, चैप्टर 5। इसके बाद नंबर 5, इसके बाद जो है वो जजमेंट्स जो है उनका सिलसिला शुरू होता है, और ये हम आइंदा जब बैठेंगे तो यहां से देखेंगे कि जजमेंट्स कितनी है और वो क्या क्या है, इनके बारे में समरी देखेंगे, और फिर चैप्टर 1 से हम देखना शुरू कर देंगे। अगली दफा जब आप हाजिर हो तो कोशिश करें कि चैप्टर 1 को पढ़ के आए अच्छी तरह, और उसको अपने तौर पे भी देख के आए, समझने की कोशिश कीजिए, और फिर हम अगली दफा और ज्यादा बेहतर तौर पर। क्या आप पूछ रही हैं, खुदा उसका जो तख्त है वो चैप्टर 4 है, और जो बरा जबा किया हुआ बरा और खुदा का तख्त है
वो चैप्टर 5। दो बातें मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, बाइबल को रेगुलर पढ़ा कीजिए, और दूसरी बात जब आप पढ़ा आए तो मुझे ज्यादा खुशी होगी अगर आपके पास अच्छी कॉपी, जो जिनके पास कॉपीज है मैं देख रहा हूँ, जखीम कॉपी हो, ताकि ये चीजें जो है आप लिखे ये एक जगह कंपाइल हो। ये बड़ी कीमती है, आपके काम आएगी बाद में, अगर खुदा कभी आपको ऐसा मौका दे कि आप कलाम के काम और कलाम की खिदमत कहीं पर जाके करें तो आपके काम आएगी। मैं बहुत शौक ना करता हूँ, मैंने उस क्लीसिया में ये पूरी स्टडी दी और मेरी वो स्टडी जो है काफी जो है गुम गई। शायद खुदा मुझे चाहता था कि मैं आपकी तरह स्टूडेंट बन के मेहनत करूँ साथ साथ और दोबारा तैयारी करूँ, तो मैं इंजॉय कर रहा हूँ, मुझे बरकत मिल रही है। तो आप भी कोशिश करें एक जगह कंपाइल रहें ये चीज़ें, और उनको आप एक कॉपी खरीदें और उसमें। थैंक यू वेरी मच। चलिए अपने आखिर बात कीजिए, अपने सरों को झुकाइए, हम बेटी सबरीना के साथ मिलके आपके शुक्र जो आप इस वक्त तेरा शुक्र है कि तुमने मौका दिया कि मैं तुम फिर से तेरा बुला सकें और तेरे कलाम को सीख सकें। सुबह मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं जन्नत को भी पता कि मैं जो भी सीखें सुबह तुम्हारे लिए फलदार होगा, तेरा तो मैं से अमल करना सीखें सुबह। इस वक्त तेरा शुक्र है, खुश होंगे कि आपकी वेरी मच। और कोशिश करें कि मेरी कोशिश होती है कि 6 बजे हम शुरू कर दें, आज हम 6 मिनट लेट थे, और अगर आप पहले आ जाएं तो जहाँ बैठना है चेयर टेबल ये डाइस और कपड़ा और जो कैमरा है अगर आप लगा दिया करें। अगर मैं कभी लेट भी होता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ मैं लेट ना हूँ, लेकिन किसी वजह से अगर मैं हो भी जाऊँ तो जो भी पहले आए मेहरबानी से कोशिश हो कि हम छोटा सा काम है इसको मैनेज कर लें, ताकि आपके बाएगी इतनी किताबें निकली हो ताकि आप शुरू करें। थैंक यू वेरी मच। जो दुआ पे साथ जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, बाकी अपने अपने प्रोग्राम के मुताबिक मूव करें, और बच्चे जो हैं वो दुआ में खाएंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।